अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ गुलमान और आज हम देखेंगे वर्डप्रेस के लेक्चर नंबर 1 को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस क्या है और इसे हम किस तरह यूज़ करते हैं। ये वर्डप्रेस के एडमिन पैनल मैंने आपके सामने खोल कर रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस के एडमिन पैनल को हम किस तरह ओपन करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जिस तरह मैं लोकल होस्ट पर ये चला रहा हूँ, लोकल होस्ट, और आगे अपनी वेबसाइट आपने टाइप करनी है जो आपकी वेबसाइट है, और उसके बाद wp-admin आपका एडमिन पैनल जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी प्रोफाइल सेटिंग है। ठीक है, हम अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी प्रोफाइल के एडिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। इससे हम सबसे पहले विजुअल एडिट के बारे में देखेंगे। उसकी ऑप्शन है डिसेबल द विजुअल एडिटर व्हेन राइटिंग। ठीक है, तो ये क्या है एडिटर, ये कहाँ पर शो होता है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, अगर हम क्लिक रहने देंगे तो ये इनेबल रहेगा। तो ये कहाँ पर होता है और ये क्या चीज़ है, हम इसके बारे में मज़ीद देखते हैं। आपने क्या करना है कि पोस्ट के ऊपर जाने के बाद ऐड पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड पोस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास न्यू ऑप्शन आ जाएगी। हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो तमाम ऑप्शन आ रही हैं, बोल्ड, इटैलिक और अदर ऑप्शंस आ रही हैं, ये जो एडिट की मदद से आ रही हैं। अगर हम सिंपल टेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास सिंपल ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई होगी का क्या मतलब है, किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसे डिसेबल कर देंगे अपनी प्रोफाइल और एडिट माई प्रोफाइल में जाने के बाद, अगर हम इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो ये जो हमारे पास जो एडिट की ऑप्शन है ये शो नहीं होगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद है एडमिन कलर स्कीम। ठीक है, एडमिन कलर स्कीम मीन आपके जो वर्डप्रेस का कलर है वो किस तरह का होना चाहिए। बाई डिफ़ॉल्ट इसका ब्लैक कलर शो हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हो मेरे पास या ये हो, आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से जो आपको अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अफेक्ट तो बेसिकली मैं इसका ये कलर सेलेक्ट करता हूँ, ब्लू, या ये कलर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी चॉइस के मुताबिक। ठीक है, उसके नीचे आगे आ जाए आप टेबल बार। ठीक है, शो द टेबल बार व्हेन द व्यूइंग साइड। ठीक है, यानी कि आप अगर अपनी वेबसाइट को देखते हैं, विज़िट करते हैं, तो क्या आपकी वेबसाइट पे ये जो वर्डप्रेस के टेबल बार हैं ये शो होने चाहिए या नहीं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये शो ना हो तो मैं इसके अनचेक कर दूँगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ, अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए ये ऊपर जो ऑप्शन आ रही थी वर्डप्रेस की ये चला गया। ठीक है, तो अब मैं दोबारा उसे इनेबल करता हूँ, शो वर्डप्रेस, और इसे अपडेट पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए तो मैं शो रखना चाहता हूँ। इसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके आगे ऑप्शन आ गई एडमिन, यानी कि यूज़र नेम आपने जो वर्डप्रेस का रखना क्या है। मैंने एडमिन रखा हुआ है तो ये एडमिन ही रहेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम मैंने एडमिन रखा था, आप इसे अब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपना फर्स्ट नेम जो आपने रखना है अपनी वेबसाइट में ना वो रख सकते हैं, लास्ट नेम और यहाँ पर निक नेम। ठीक है, और जो डिस्प्ले नेम है यानी कि कोई आपको कमेंट्स करता है तो आपका वहाँ पर क्या नाम शो हो, आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हैं। मैंने जैसे कि ये किया हुआ अपना मुकम्मल नाम तो ये आ रहा है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है और ईमेल एड्रेस है जिस पर आपको ईमेल वगैरह इस वेबसाइट के मतलब आएँ आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई और वेबसाइट है उसका लिंक देना चाहते हैं तो आप उसका लिंक यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, और उस वेबसाइट के मतलब कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और ये प्रोफाइल पिक्चर आ गई, आप इस प्रोफाइल पिक्चर को यहाँ उस लिंक पर क्लिक करने के बाद चेंज कर सकते हैं। इस लिंक पर जाने के बाद आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है, आप इसके ऊपर क्रिएट अकाउंट करेंगे और अकाउंट बनाने के बाद आप इस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो हम बेसिकली वर्डप्रेस के बारे में जान रहे हैं, अगर इसके बारे में आपको मालूम ना हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसका ट्यूटोरियल मैं आपको सेंड कर दूँगा। उसके बाद अगर आप पासवर्ड के चेंज करना चाहते हैं, पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस जो है ना प्रोफाइल एडिटर की समझ आ गई होगी। मज़ीद आप इसे सर्च देखेंगे तो आपको
प्रैक्टिकली आप ज़रूर किया करें, कम से कम प्रैक्टिकली किया करें। आपको मैं एक वेबसाइट बना दूंगा, उसके ऊपर जो है ना आप वर्डप्रेस को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। आपको बता दूंगा किस तरह आपने वर्डप्रेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज़ करना है, या आप मेरे नेक्स्ट जो है ना लेक्चर चेक कर सकते हैं वर्डप्रेस को किस तरह हम इंटरनेट के बगैर अपने कंप्यूटर पर यूज़ कर सकते हैं। तो अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दें और जो मैंने सेटिंग चेंज की थी वो सारी हो चुकी है। मेरी वेबसाइट पर आकर मैं चेक करता हूँ, तो ये देखिए जो यहाँ पर मैंने चेंजिंग की थी वो आईकॉन रहने दिए सकते हैं जो हो रहे हैं। तो ये तो था प्रोफाइल आईडी पे इसके बारे में, बाकी लॉगआउट है, बाकी आपका एडमिन बनना है। अब इस साइड पे आ जाते हैं, सबसे पहले वर्डप्रेस का बटन है। ये वर्डप्रेस के बटन में क्या है, ये वर्डप्रेस ने अपनी अबाउट वर्डप्रेस wordpress.org और ये दूसरे लिंक आप करके चेक कर सकते हैं। ये उसी की इंफॉर्मेशन के मतलब है, वर्डप्रेस जो है ना उसके इंफॉर्मेशन के मतलब ये लिंक्स उन्होंने दिए हुए हैं, आप इनको विज़िट कर सकते हैं। उसके आगे आप अपनी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। आपको ये मैंने पहले ही बताया कि आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरह ओपन करके रखी हुई है वेबसाइट, ठीक है। और उसके आगे जो ऑप्शन है वो प्लगइन की है कि आपने कितने प्लगइन इस वेबसाइट में, यानी कि कोई अपडेट्स वेबसाइट के बारे में होगी वो आप यहाँ भी आएगी, यानी कि दो प्लगइन जो है मेरे उनकी अपडेट वर्जन आ चुकी हैं, उनके बारे में मुझे मैसेज आ रहा है। इसके आगे हमारे पास कमेंट्स ऑप्शन है, जो हमें कोई भी कमेंट्स करेगा उसके बारे में हमें यहाँ बताया जाएगा कि वो हमें कमेंट्स कर रहा है। अगर हम कमेंट्स के बटन पर क्लिक करें तो ये देखें हमारी वर्डप्रेस जितनी तारीख जो जो सब कमेंट्स आया, ठीक है। तो उस कमेंट्स को आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पर इम्प्रूव भी कर सकते हैं आप अपने कमेंट के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मेन पैनल की समझ आ गई होगी। अभी हम डैशबोर्ड और इन तमाम ऑप्शंस के बारे में जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आप इस एडिट माई प्रोफाइल को विजिट करें और इसमें चेक करें इस ऑप्शन को, और ये तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आगे डैशबोर्ड और पोस्ट वगैरह दोबारा ये जो है तमाम ऑप्शन तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है ना देखेंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।